अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जान रहे, खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन तुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह दोपहर का टाइम है और सब कामों से फारिग होके हम जा रहे हैं ब्रेव क्वीन के घर यानी लुबना के घर, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जल्दी जाने की है क्योंकि कल जो मैंने वीडियो भी देखी, मेरी बात भी हुई लुबना से और देख के बहुत ज़्यादा दिल खफा हुआ, बहुत ज़्यादा उदास था मेरा। बस चलता तो मैं उसी टाइम चली जाती, लेकिन ये घर में नहीं थे तो बस ये आए। तो बस मैंने इनसे कहा है कि बाकी काम आके घर के बाद में करूँगी, पहले मुझे लुबना के पास छोड़ के आ जाएँ। तो आप सलाम कर दें व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलें, देर हो गई काफ़ी, इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उससे कह दिया था कि मैं आऊँगी, फर्स्ट टाइम ही आऊँगी। चलो समीउल्ला, समीउल्ला भी तैयार हो गए, समीउल्ला भी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चलते हैं फिर आपसे आगे की वीडियो शेयर करते हैं। तो जी माशाल्लाह मैं आ गई हूँ लुबना के घर, ब्रेव क्वीन के घर, और बस आके काफ़ी टाइम हो गया, बैठे हैं गपशप भी लगा रहे हैं और आंटी के साथ भी बैठे हैं। आंटी बहुत ज़्यादा परेशान है। कल हमारे साथ बहुत बड़ा मसला हो गया था, तो बस लुबना का मुंह देखे, सारी ये पट्टी सी लगी हुई है मुंह के अंदर, बोल भी नहीं सक रही ज़्यादा और गुमसुम हुई पड़ी है बिल्कुल ना। तो बस लुबना बहुत ज़्यादा परेशान भी है और घबराई भी हुई है, और इधर भी घुटनों में भी चोट लगी हुई है समीउल्ला, घुटनों में भी चोट लगी हुई है और कोनियों में भी चोट लगी हुई है और बिल्कुल गुमसुम हुई आंटी, बहुत ज़्यादा परेशान है। सारे टूट के चुप गई हैं और खून इतना मुंह से आया। वो आंटी वो बता रही थी कि होंठ दांत अंदर लग गया है, उससे ब्लीडिंग हुई है ज़्यादा। हाँ होंठ फट गए थे ना, होंठ फट गया अंदर से, परेशानी कह रही, बेहोश हो गई थी, गिरी है ना जब। और क्या हुआ कि मैं वही लुबना से यही कह रही हूँ कि वो तो आंटी चलाती है, कभी भी नहीं गिरी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हादसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हो गया बस आंटी अब्दुल्ला ने कहा मम्मी मैं चलाता हूँ, बस इसको पता नहीं चला। बच्चा ना समझ है उसको, इतना शोर नहीं है ज्यादा, उसको भी आगे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो खड्डा है या मतलब मेरे अंदर रोकना है या कुछ, बच्चे ना समझ अभी कितना, वो बड़ा छोटा सा ही बच्चा है और जाहिर बात है माँ को तकलीफ आ गई, खुद भी वो परेशान बैठा है इतना। कोई नहीं मम्मा ठीक हो जाएंगी, अच्छा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी चोट आई है मम्मा ठीक हो जाएगी। वो भी उदास हुआ हुआ है, आंटी भी ऐसे, आंटी से भी बात नहीं हो रही, जाहिर बात है औलाद को ऐसे ज़रा से भी उंगली भी दुख जाए तो बेटी भी यही है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह बड़ी तकलीफों से बचाए। परेशानी तो होती, क्यों नहीं होती, मैं खुद इतनी परेशान होगी, मैं दूर बैठी हुई हूँ तो माँ तो ऐसा रिश्ता है, माँ बेटी का बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस ये कोल्ड ड्रिंक आई हुई है, मैंने मना भी किया है कि चाय बना रही थी आंटी, मैंने कहा नहीं चाय नहीं, कुछ भी नहीं ऐसी। तो बस ये है कि आप लोग भी दुआ में याद रखें लुबना को, आंटी को, आहद को, कि ना छोटी सी फैमिली और ऐसी भी कोई थोड़ी सी भी टेंशन आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है वो। बहुत, मैं कहती मैं आपको अंधेरे आ गए, हाँ क्या करो आप, मैं इसको आवाज़ दे दे के मैं सुन हो गए ना, बताया बात है व्हील चेयर ऊँची है, फिर एकदम से कह रही मुँह के बल गिरी हूँ, ईंटें थी पक्की। अच्छा ये गली में क्या, गली से बाहर दूसरी गली, अच्छा दूसरी गली है। बस ऐसा नहीं देना हाथ को व्हील चेयर आप ना, बच्चा ना समझे सबा। तो बस ये कोल्ड ड्रिंक और नीमको है, आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। मैंने तो आंटी को मना किया कि कुछ भी ना करें, बस परेशानी इतनी है, टेंशन इतनी है, और ये देखें पट्टी लगी हुई है लुबना के। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि जल्द ठीक हो जाए, इससे बात भी नहीं हो पा रही, और देखें कितनी परेशान हुई बैठी है। वैसे इतनी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लुबना, आंटी, आहद, और छोटी सी फैमिली है इनकी, तो बस अल्लाह इनकी फैमिली को कुछ ना करे। और बस मुझे भी जल्दी जल्दी में, मैं भी आई हूँ और बैठी, मैं इसका दिल ही बहला रही हूँ, गपशप लगा रही हूँ ताकि दिल बहल जाए, ज़रा माइंड चेंज हो जाए। और बस ये है कि वीडियो भी कल भी लुबना ने, परसों, काफ़ी दिनों से लुबना का घबराहट भी थी, परेशानी भी थी लुबना को, पता नहीं क्या वजह थी, काफ़ी दिनों से लुबना कह रही थी कि मुझे कोई वजह है, परेशानी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। तो बस ये कह लें कि अल्लाह ने बड़ी तकलीफ़ से बचाया, अल्लाह ने छोटी तकलीफ से ना टाल दिया। बस आप सब लोगों ने दुआ करनी है, जितने व्यूअर्स हमारे देखने वाले हैं, अल्लाह इसकी तकलीफ परेशानी दूर करे, टेंशन दूर करे, सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत दे, खुशियाँ दिखाए। मेरी भी दुआ है, आप लोगों ने भी दुआ करनी है। ये है लुबना की कज़न और ये अपना मुर्गा लेकर आई है, कह रही है इसको बिल्ली ने ना हमला कर दिया है, तो थोड़ा सा हम हंस पड़े हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया और ज़ख्मी हो गया है, तो मैंने कहा इसकी हिफाजत करें,
बस आजकल मौसम ऐसा है ना, अभी भी आपके घर ऊपर ये बिल्ला चढ़ा हुआ था छत पे, हमें और लुबना गपशप लगा रहे हैं ना, ब्लैक कलर का, हाँ बस उसने नजरों में रख लिया है। नहीं नहीं अल्लाह जिंदगी सेहत देगा, हाँ सबको ही फिक्र है। हम जरा लुबना को हंसा रहे हैं ना, जरा के लुबना जरा जरा हंसे बोले, लुबना की वजह से नहीं बोल सक रही आंटी, बस ज्यादा बोले भी ना ना मुँह ऐसे वो खींचेगा, जरा दो नहीं नहीं अल्लाह जिंदगी दे सेहत दे। हाँ चलो पीना जल्दी करो बेटा, हाँ पी लो आप भी, आद और दोनों गपशप में लगे हैं, चीज लेकर आए हैं मदरसे जाने की। हाँ मदरसे जाने की, अभी समीउल्लाह भी जाएंगे तो इन्होंने भी जाना है सिपारा पढ़ने। समीउल्लाह कौन से सिपारे में बेटा? समीउल्लाह बताओ, नूरानी कायदा है इसका भी। हाँ जी हाँ, वो भी बस एंड होने वाला है माशाल्लाह। तो बस आहत के साथ, मम्मा मैंने भी जाना है आहत के साथ, मैंने खेलना है, मुझे लेके जाए, मैं कहा चलो चलते हैं, बच्चे मिलते हैं आपस में, हाँ खेल कूद होता है दोस्त, हाँ। हाँ जी दोस्त हैं, और इधर का चीज़ भी लेकर आए दोनों फटाफट जाके आहत और ये, बस आहत भी आएंगे ना हमारे घर, घर चले उन कह रहे घर में भी चीज़ मिल रही है ना उनके अंदर, शॉप बनी हुई है तो दोनों देखे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रख दो गिलास इधर रख दो, आंटी तैयार कर रही है हाथ को, लग गई है ये देख चोट लग गई है, चोट लग गई है, तू रात को बिल्ली से बचा और वो गिर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और परेशान नहीं होना ठीक है, चल और आंटी आप भी परेशान नहीं होना ठीक है, ठीक हो जाएगी माशाल्लाह, बस थोड़ी सी अभी ये तकलीफ है, ये मेडिसिन टाइम पे लो और वो जो ट्यूब है वो टाइम पे लगाओ, अल्लाह खैर करेगा, और बस ये है कि मुझे याद रखना मैं तुम्हारी बहन हूँ, जिस टाइम आवाज़ दोगे उसी टाइम मैं आ जाऊँगी, मुझे पता था मैंने मैंने ज़रूर आना, नहीं नहीं मैं तो रात को भी मेरी लुबा पे, मैं तो खैर मैसेज कर रही थी लुबना वो कर रही थी, तो मेरी बात रात को ही हो गई कि मैं कल लुबना मैं ना अभी होता ना मैं अभी आ जाती, लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर आऊँगी, अल्लाह ज़िंदगी से दे आपको सलामत रखे आंटी के सरों पर, अल्लाह आसानियाँ पैदा करें। तो बस व्यूअर्स घर जा रहे हैं और मिल लिया, थोड़ी तसल्ली होगी लुबना को देख के, लुबना बात तो नहीं कर सकती लेकिन ये कि बैठी हुई, अभी लेटी ही हुई थी जब मैं आई हूँ, लुबना हाथ हिला दो, बस बात नहीं कर सकती है, बस आंटी और मैं ही गपशप लगा रहे हैं जब से बैठे हुए, तो मैंने कहा आप बात भी ज़्यादा ना करो क्योंकि अंदर सारी पट्टी लगी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि बस आज जो मैंने व्लॉग लुबना के साथ बनाया है आपको पसंद आया होगा, और आपने ज़रूर लुबना को दुआ में याद रखना है, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करें और आंटी को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बस अब जाती हूँ घर, दुआ करनी है, दुआ करनी है आंटी के लिए भी, तो बस आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आंटी से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, तो बस आंटी को तसल्ली भी दी है बहुत ज़्यादा, और ये है कि बस ये जैसे तबीयत लुबना की ठीक होगी तो लुबना इंशाल्लाह ताला हमारे घर आएंगी, फिर ये है कि अपनी बहन के साथ और आंटी से अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।